बरेली के नवाबगंज के माया हॉस्पिटल में जमकर होती है मृत्यु होने के बाद लूट। कहा जाता है कि डॉक्टर होता है भगवान का दूसरा रूप। मामला यूपी के बरेली से है, जहां पहले का मामला थमा नहीं कि एक सप्ताह बाद दूसरा मामला सामने फिर आ गया। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व में ही मृतक बच्चे का इलाज कर रहे माया अस्पताल का मामला शांत नहीं हुआ कि आज फिर एक और बच्चे का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि रविवार बच्चे को भर्ती कराया गया था, अगले दिन बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी नवाबगंज में बने माया हॉस्पिटलों के डॉक्टर आपातकालीन वार्ड में रखकर इलाज करते रहे और परिजनों से 70,000 रुपये भी जमा करा लिया गया। बच्चे के परिवार वालों ने जब बच्चों को बरेली भर्ती कराने को कहा तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब माया हॉस्पिटल मृत बच्चे का इलाज करने का लूट साम्राज्य बन चुका है, पर बच्चे के परिवार वालों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई की, हॉस्पिटल को सील कराने की मांग की है। लेकिन आपको बताते चले, जहां बैठे हुए योगी जी अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखने वाली एक बड़ी बात होगी। लेकिन आखिरकार इस तरीके के मामले बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। जिसको राम राज्य कहते हैं वो कैसा राम राज्य है, आप भी सुन लीजिए। क्या मामला है? मामला ये है, जब हम लेके आए थे रविवार को शाम 6 तारीख। किसका है ये? हमारे भाई का जी, सब में छोटे हैं। उसके बाद हम शाम को यहाँ लेके आए थे रविवार को 6 तारीख में शाम के लिए, तो इन्हें बोला कि ऑपरेशन होगा और इसके ऊपर कोई नहीं है, ये ऑपरेशन का हुआ हुआ है पहले का। उसके बाद में इन्होंने ऑपरेशन करा, बोले बच्चा देखो सही रहा तो आपको देंगे, नहीं रहा सही तो एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन आपको हम दे देंगे हाथ में। उसके बाद में इन्हें ऑक्सीजन उस पर लगा दी, हमें दूर से दिखाते थे, पास उसके जाने दे थे। आपको कैसे पता चला? उसके बाद में जब हमने कहा था कि हमें बच्चा करीब से दिखाओ तो एक दिन दिखाया था। उसके बाद आज जब हमने कहा कि हम अपने बच्चे को छुट्टी कराएंगे, जब मरीज आएंगे तो हम बच्चे को भी ले जाएंगे, हम कहीं दिखा देंगे। जब छुट्टी कराने का नंबर आया तब कह रहा है कि बच्चा तुम्हारा खत्म हो गया। पहले मुझसे ये कहा था कि आप 5,500 रुपये जमा करें और उसके लिए रवि खन्ना लेके जाइए आप, अगर आप मरीज दिखाना चाह रहे हैं। तब जब बच्चा मर गया तो तुम रवि खन्ना के लिए क्यों बोला मेरे लिए? कितना रुपया लिया आपसे? हमसे ले लीजिए 70,000 रुपये। अब आपकी क्या मांग? अब हमने यही है कानून कार्रवाई जो भी हो वो करी जाए। थाने में तहरीर दी है आपने? हाँ। अभी देंगे जाके। हमें तो सील चाहिए। अब हम मुड़िया रहे थे, अब यहाँ रहने लगे रानीगंज। क्या मामला है? अब घर से जैसा किराया पाएगा यहाँ कमाने खाने का? बच्चा का ऑपरेशन हुआ, मरीज को ऑपरेशन कहाँ हुआ था? हीना हुआ, प्रीति माया हॉस्पिटल। अच्छा, कब भर्ती कराया था? इतवार का, 6 तारीख इतवार का कराओ। फिर क्या हुआ? फिर इन्हें ऑपरेशन बोलो तो हमने ऑपरेशन कराओ, जब बोले बच्चा तुम्हारा सही हुआ है तुम्हें दे देंगे, और ना सही हुआ हम ऑक्सीजन लगा देंगे, एक दिन का रखेंगे और सुबह को दे देंगे, और सुबह को दे देंगे। तो इन्हें हमें ना दो, हम कहते हमारा बच्चा दे तो क्या कहते, आज ना कल, कल ना परसों, हम बच्चा देखने को जाते, हमें जब बच्चा ना दिखाते हमारे ताई, और कई हमने 100 रुपया दाए, हमने भीख मांग मांग का है, हमसे रुपया की रुपया दिन की दिन मिलते हैं। 70,000 रुपया हमने इन्हें दो। अब आपको क्या परेशानी है? आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? आपका परेशानी हमें जाएगी, हमारा धना चलेगा, हमारा धर्मा चलेगा, और हमें धक्का मार मार कर निकाल रहे हैं। पूरी बात आप बताओ, क्या बच्चा खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया बच्चा हमारा। कब खत्म हुआ? 6 दिन पता नहीं, ना कई दिन आपका खत्म हुआ है? डॉक्टर ने नहीं ना बताया साहब ने। तो आपको कैसे पता चला? जब हमने मरीज की छुट्टी कराई तब हमने कही हम बच्चों की छुट्टी करावेंगे। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारा पैसा जो है जो भी वो करें व्यवस्था हमारी। अब हमारा बतावा धना गो धर्मा गो, किस तरह की व्यवस्था? हम तो कार्रवाई करेंगे जो इनको सील हो। हाँ इनको सील हो पूरा अस्पताल, जो आज इन्हें हमारे संग में दगा करो।